हेलो, आज हम बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। पहले हम शिमला मिर्च को धो के काट लेंगे। ये हमने शिमला मिर्च काट ली है। यहाँ हमने आलू काट लिए हैं, इसको भिगो दिया है। और उसके लिए और जो चाहिए, टमाटर, प्याज, लहसुन, धनिया, जीरा। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। कढ़ाई ऑन कर ली हमने। 2 मिनट के लिए कढ़ाई में तेल डाल के हम गरम कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा चाहिए। हमारा तेल गरम हो गया। अब इसमें हमें सूखा धनिया और जीरा ऐड कर दूंगी। और उसके बाद थोड़ा सा लहसुन मैं इसमें कूट लूंगी। मैंने ये लहसुन कूट लिया है। लहसुन कूटने में अलग सी खुशबू आती है। और हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे, गैस को ऑन कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। अब हम इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं, ये देखिए। मैंने इसमें प्याज और लहसुन फिर से ऐड कर दिया है। इसे घुमा लेंगे और ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये देखिए, हमारा प्याज ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देंगे, थोड़ी सी टमाटर डाल देंगे और इसको घुमा लेंगे। और फिर थोड़ा सा नमक और हींग ऐड कर देंगे। ये हींग और ये नमक मैं ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे और गैस को स्लो कर देंगे। ये देखिए, हमारे टमाटर हल्के हल्के पकने लग गए हैं। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे और शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे। और इसमें डालेंगे हम मसाले। मसाले में हम डालेंगे धनिया पाउडर, गरम मसाले, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा काला नमक। अब हम इसमें बिल्कुल स्लो आंच पे पकाएंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसमें। बिल्कुल स्लो गैस में पकाना है। धीरे धीरे देखिए, आपकी सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनेगी। अभी हम दिखाएंगे आपको। देखिए, अब हमारी सब्ज़ी बन चुकी है। कितना प्यारी सब्ज़ी बनी है हमारी। मैंने इसे बीच में घुमाया भी था, जाके ये नीचे तलने लगे इसके। देखो, 15 मिनट लगे हैं मुझे हल्की आँच में पकाने में। अगर आपको मेरी तरीका पसंद आएगा तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।